पहली बात जो मोदी सरकार ने ये घोषणा की वो कतई हमें मंजूर नहीं है। 1500 और 750 रुपये का जो बढ़ोतरी हुआ है वो कहीं ना कहीं जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लंबे स्ट्रगल्स हैं उनकी अनदेखी है। हम जानते हैं कि आंगनवाड़ी की महिलाएं काफ़ी ज़्यादा ओवरबर्डन्ड है अपने काम को लेकर और उनको सैलरी नहीं मिलता है बल्कि मानदेय मिलता है, जिसकी वजह से उनके काम में भी असर पड़ता है और डिपार्टमेंट इसी को बहाना बनाकर कभी उनको टर्मिनेट करता है, कभी उनको मेमो देता है, कभी वार्निंग्स देता है। इसलिए जो आज भी हमारी सबसे पहली डिमांड है वो ये है कि तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को नियमित किया जाना चाहिए, उनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके अलावा अभी दो घटनाएं दिल्ली में हुई थी जिसकी वजह से भी हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा। पहली घटना मंडावली के इलाके की है जहाँ पर 3 बच्चियों की बहुत एक दुखद स्थिति में मौत हुई क्योंकि वो भूख और कुपोषण का शिकार थी। ये उस जगह होता है जो दिल्ली इस देश की राजधानी है और हम सोच सकते हैं कि जब दिल्ली में ऐसी घटना हो रही है तो बाकी देश में क्या हो रहा होगा। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपनी पीठ थपथपाते नहीं थकते हैं कि आंगनवाड़ी की योजना को उन्होंने कितना अच्छा बनाया, लेकिन मंडावली की ये घटना इस पूरे स्कीम की लिमिटेशन को दिखाता है। इसके अलावा पिछले महीने ही हस्तसाल प्रोजेक्ट में एक और घटना सामने आई जिसमें छिपकली एक जो खाने में पाई गई थी उसको खाने की वजह से 12 बच्चे और वहाँ की हेल्पर की तबीयत खराब हो गई। जब हेल्पर ने इसके बारे में कंप्लेंट की तो उसी को टर्मिनेट कर दिया गया। हम केजरीवाल सरकार से और मनीष सिसोदिया से पूछना चाहते हैं कि जो एनजीओ डिफॉल्टर था जिसने उस प्रोजेक्ट में खाना भेजा था उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी, जो हेल्पर काम से निकाली गई उनको निकालने का कारण क्या था। स्पष्ट तौर पे ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और आप सरकार का तमाम एनजीओस के साथ कोई गठजोड़ है, वरना कोई कारण नहीं है कि ऐसे तमाम एनजीओस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। साथ ही इस वक्त आंगनवाड़ी की स्कीम में 5 से 6 एनजीओस ऐसे हैं जिन्हें मिड डे मील स्कीम में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। स्त्री शक्ति से लेकर तमाम ऐसे एनजीओज हैं जो अभी भी आंगनवाड़ी स्कीम में खाना बांट रहे हैं, इनकी सेवाओं को क्यों नहीं तुरंत रोका जा रहा है, इनके टेंडर्स को, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल क्यों नहीं किया जा रहा है। ये तमाम इश्यूज हैं जो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि पूरी की पूरी योजना करप्शन, इररेगुलरिटीज और आप कह सकते हैं कि एक ऐसी वर्कफोर्स से ज़्यादा काम करवा के और उन्हें कम मानदेय देकर काम करवाया जा रहा है। हमारी इन मांगों को नहीं माना गया तो आने वाले दिनों में 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हम दिल्ली में एक विशाल प्रदर्शन करेंगे और व्यापक जनता के बीच में इस पूरे स्कैंडल को, इस पूरे स्कैम को एक्सपोज करेंगे। साथ ही साथ जो हमारी डिमांड है, जिसमें सबसे पहली डिमांड है हमारे काम के रेगुलराइजेशन की और कर्मचारी का दर्जा हासिल करने की, और दूसरी डिमांड की करप्शन को ख़त्म करो, खाने की क्वालिटी बेहतर बनाओ, जो ब्लैक लिस्टेड एनजीओज है उनको स्कीम से बाहर करो और खाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार को उठानी चाहिए, किसी एनजीओज को आउटसोर्स नहीं करना चाहिए। ये डिमांड्स अगर हमारी नहीं मानी गई तो आने वाले लोकसभा चुनाव में हम तमाम चुनावी पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। जो पार्टी हमारी इन डिमांड्स को मानने को तैयार होगी, आंगनवाड़ी की महिलाएं अपनी यूनियन दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन के साथ, सिर्फ उसी पार्टी को सपोर्ट करेंगी, और जो हमें लिखित तौर पे ये आश्वासन नहीं देगा उन सारी पार्टीज का हम लोग आने वाले चुनावों में बहिष्कार करेंगे।